प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में। और ये नोटिस ऑलरेडी आपको पता होगा, बट फिर से मैं इसको आपको अपडेट कर रहा हूं। तो यहां पे आपका बहाली निकाला गया है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL में, जिसमें जूनियर इंजीनियर AE और टेक्नीशियन का बहाली जो है यहाँ पे निकाला गया है। ये जो बहाली निकाला गया है 2024 में निकाला गया था। इससे पहले भी एक बार जो है नोटिस आपका दिया गया था, बट उस नोटिस में आपका बताया गया था कि जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे, और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है ये मई जून में 2024 में लिया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन आ गया था लोकसभा का, जिसके कारण से यहाँ पे इसके जो डेट दिए गए थे उस डेट में चेंजेस किए गए। तो जो डेट में चेंजेस किए गए वो चेंज करके आपका जो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है 20 जून से भरा जाएगा और 19 जुलाई तक फॉर्म को भर सकते हैं। 20 जून से 19 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं, और आपका सितंबर अक्टूबर महीने में है ना, सितंबर अक्टूबर महीने में आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो आपका लिया जाएगा। ये जो है बात कही गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो फी है वो आपका यहाँ पे 1500 रुपया रखा गया है जनरल BC और EBC के लिए, SC ST के लिए 375 रुपया। अगर आप अदर स्टेट के हैं है ना, अदर स्टेट के हैं तो भी आपको जो है कितना लगेगा, 1500 रुपया आपका यहाँ पे लगेगा। कितना लगेगा, 1500 रुपया आपका यहाँ पे लगेगा। ये आप फिक्स मान के चलिए। यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है ये एग्ज़ाम डेट काट दीजिए, एग्ज़ाम डेट जो है आप यहाँ पे नया लिख लीजिए। एग्ज़ाम डेट जो है सितंबर या अक्टूबर में आपका लिया जाएगा, ठीक है। सितंबर या अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बात किया जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हो 18 साल फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 2 और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आपका 18 साल, और 21 साल आपका रखा गया है बाकी और भी जो पोस्ट हैं उसके लिए। मैक्सिमम एज 37 साल रखा गया है। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपका दिया जाएगा एज पर जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसके हिसाब से। यहाँ पे टोटल सीट अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका जो सीट है 2610 सीटें यहाँ पे दिया गया है पोस्ट पे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसमें 10th के बाद ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ 2000 सीट है। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में 300 सीट है। करस्पोंडेंस क्लर्क 150 सीट है, बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम के साथ। स्टोर असिस्टेंट 80 सीट है, और उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 40 सीट है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 40 सीट है, BE/BTECH होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए तो ही जो है आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर 60% अगर आपका मार्क्स नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जानकारी आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितना सीटें आपका यहाँ पे रहने वाला है। टेक्नीशियन के लिए बात किया जाए तो 500 जनरल के लिए, EWS के लिए 200, SC के लिए 400, ST के लिए 40, EBC के लिए 500, BC के लिए 360, टोटल जो है 2000 सीट आपका यहाँ पे दिया गया है, ओके। इस तरीके से हर पोस्ट वाइज आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका दिया गया है। बाकी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल सके।